हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि लिब्रंस के लिए अगस्त 2021 में आप लोगों की लव टैरो रीडिंग से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, या तुला राशि के लिए अगस्त 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। और गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी, जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए रीडिंग होगी। यहां मैं कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट हम कार्ड्स ले रहे हैं टैरो डेक के साथ और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं लिब्रंस आपकी लव लाइफ को लेकर। ओके, थ्री ऑफ कप्स, अब हम देख रहे हैं ऑरेकल डेक से। डिस्पेयर, मैच्योर वुमन, गिफ्ट, एनर्जी क्या रहेगी इस मंथ के लिए। एक्शन, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कैरिंग कनेक्शन, तो इसको भी मैं रख रही हूं। यूनिकॉर्न गाइडेंस भी देख रहे हैं। जी, ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं कि हमें इनको थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। इसलिए हम यहाँ अगर देखें तो जो सिंगल्स की लाइफ में इस मंथ में स्पेशली जो प्रपोजल आ सकता है या जो पर्सन आ सकते हैं सिंगल्स के लिए, हमें गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए पर्सन वर्ड यूज करूंगी। तो आपकी लाइफ में जो पर्सन इस मंथ में आ सकते हैं थ्रू मैरिज प्रपोजल या इन जर्नल भी, वो हो सकते हैं क्वीन ऑफ ऑटोमन, यानी जेनरस हैं, स्टाइलिश हैं, ग्रेशियस हैं, काफी प्रैक्टिकल पर्सन है ये। और जो मैसेज है, बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं, कैरियर में भी काफी हेल्प करेंगे। और ये पर्सन जो है वो काफी खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं, इनका स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, और इनमें एक ग्रेस है, और ये लाइफ की सच्चाई को जानते हैं और आपको बहुत मदद करेंगे आपके कैरियर में। और गर्ल बॉय दोनों के लिए ये हो सकता है, मे बी आप लोग इनसे किसी वर्क के थ्रू मिले, यानी आप लोग वर्क प्लेस पे मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ काफी लग रही है। स्पेशली अगस्त के महीने में ये पर्सन आपके लिए आ सकते हैं और इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। और ये काफी खूबसूरत इंसान है, वाइस है, काफी बुद्धिमान है, और आपकी लाइफ में भी, आपको लाइफ पर्पस में भी ये काफी हेल्प करने वाले हैं। इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं। वहीं हम फर्स्ट सिंगल्स के लिए ही देख रहे हैं, और जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं इस मंथ में वो हो सकते हैं वर्गो, यानी कन्या राशि के हों। काफी समझदार इंसान है, वाइस पर्सन है, और इनको लाइफ का काफी एक्सपीरियंस भी है, इस तरह के पर्सन है। पर अभी जैसा यहाँ दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, वैसे तो ये पर्सन बहुत स्टेबल है अपने काम में, पर अभी ये कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, और इनकी लाइफ में इन्होंने स्टेबिलिटी खुद के से ही स्थापित की है, और काफी जेनरस पर्सन है ये। पर अभी कुछ मनी इश्यूज इनकी लाइफ में है, या कहें कि पैसे से रिलेटेड ये काफी दिक्कतें अभी फेस कर रहे हैं,
पर यहाँ कुछ लोगों के लिए जहाँ वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आए इस मंथ में स्पेशली, और जिनके थ्रू आप मैरिज प्रपोजल के थ्रू मिले या वैसे भी मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकते हैं, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी आई है, तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ कप्स एनर्जी भी आई है, हमारे पास थ्री ऑफ कप्स है और फोर ऑफ कप्स भी है, तो ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं जो इस मंथ में आपसे कनेक्ट हो या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो, ये पर्सन हो सकते हैं इस मंथ में आ सकते हैं। ये तो उनकी राशियां हैं। वहीं ये इंसान जो है जो भी आपकी लाइफ में आएंगे इस बार, ये काफी पैशनेट हैं, इनको आपके लिए डीप और इंटेंस फीलिंग होगी, काफी लव है इनके अंदर आपके लिए। जो भी पर्सन आपको इस मंथ में स्पेशली अप्रोच करेंगे वो अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं, और वैसे उन्होंने काफी कुछ अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाई है, पर अभी वो कुछ जैसा मैंने बताया कि वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। और ये पर्सन जो है वो माइंड से काफी मेच्योर हैं, थोड़े आपसे एज गैप इनका हो सकता है, मे बी आप इनसे बड़े हों या ये आपसे बड़े हों, ऐसा हो सकता है। और ये रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के लिए गिफ्ट की तरह होगा। और हमारे पास बॉटम की एनर्जी थी, जैसा हमने रख लिया था, इसे बॉटम कार्ड था ये एनर्जी, ओरेकल डेक की बॉटम की एनर्जी थी, कैरिंग कनेक्शन। तो एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे तरह के पर्सन आ सकते हैं जो काफी कैरिंग है, लविंग है, और इनके पास कह सकते हैं कि आपके लिए काफी डीप लव है, मे बी आपके इनको आप पे क्रश हो, इस तरह के पर्सन भी आपके लिए आ सकते हैं। और ये काफी कैरिंग पर्सन है और लविंग है, और इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और जो दिखने में काफी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार यहाँ आए, क्योंकि हमारे पास इसी तरह की एनर्जी आई है, जैसा वर्गो एनर्जी, हमारे पास द हर्मिट कार्ड है, मैच्योर वुमन का कार्ड है, और वहीं कैरिंग कनेक्शन है। तो ये जो भी पर्सन है वो काफी माइंडेड भी हैं, और साथ में ये दिल से भी बहुत खुले हैं, और रोमांटिक भी ये हो सकते हैं क्योंकि कैरिंग कनेक्शन हमें बता रहा है। वहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिंगल्स के लिए स्पेशली एक्शन कार्ड हमारे पास आया है रिवर्स में, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए वो कुछ एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगाएं, मे बी रिलेशनशिप स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ले, पर ये पर्सन काफी लविंग है, मैच्योर हैं, और अभी थोड़ा स्ट्रगल जरूर फेस कर रहे हैं। और आप लोग इनसे किसी गैदरिंग में मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हो और फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए इनसे, किसी गैदरिंग में मिल सकते हैं, किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में आप लोगों का मिलना हो, और ये हो सकता है, और ये फ्रेंड्स ग्रुप में से हो कोई आपके, ये भी हो सकता है। और वहीं अभी आप लोग लिब्रंस काफी परेशान चल रहे हैं, चाहे आप सिंगल भी हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप काफी दिक्कतों से गुजरे हैं अभी, और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यहाँ मैं बात करूंगी। पर फर्स्ट सिंगल्स के लिए हम जैसा देख रहे हैं, तो ये द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो कुछ लोग इनसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो पर्सन आपको इस मंथ में मिलेंगे उनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, फर्स्ट आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जहाँ कुछ लोग फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे वहीं कुछ लोग इनसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होगा। और अब हम देख लेते हैं कि जो आप लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी काफी एनर्जीज आई है। अभी लिब्रंस आप कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मे बी कुछ लोगों का अभी ब्रेकअप हुआ था और आपने मूव ऑन कर लिया, जैसा एट ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास रिवर्स में आया है, तो अब आप अगर ये अपराइट आते तो कहते हैं आप फंसे हुए हैं, पर आप अपनी स्थिति से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, या कहें कि आपने मूव ऑन कर लिया है रिलेशनशिप से और रिश्तों से। अभी आप कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन वगैरह फेस किया, पर आपने उसको बहुत स्टेबिलिटी और है कि आपने अपने रास्ते खुद खोज लिए हैं, और अब आप स्ट्रक नहीं हैं सिचुएशन में, क्योंकि ये रिवर्स आया है और अपनी लाइफ पर्पस में आप काफी काम करने वाले हैं। और लिब्रंस के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो काफी अभी पैसे से जुड़ी समस्याएं आप लोगों के लिए हो रही है, और पर आप लोग फिर भी अपनी लिब्रंस के लिए यहाँ लग रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्स हमारे पास कार्ड आया है, तो ये आपकी एनर्जी है लिब्रंस, आप काफी वॉरियर फॉर्म में हैं, स्पेशली इस मंथ में आप काफी काम करने वाले हैं, और जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनसे आप घबराने नहीं वाले, क्योंकि सारी एनर्जीज इसी तरह की एट ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास रिवर्स में है। अब आप चैलेंजेस से घबरा रहे नहीं हैं, बल्कि उनका फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हर्मिट मोड पे हैं आप लोग, और काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ रहे हैं, और वो सॉल्यूशंस बहुत आपकी लाइफ पर्पस में आपको हेल्प करेंगे। मे बी रिलेशनशिप में कुछ लोगों ने अभी बहुत कुछ फेस किया है, पर अब आप अपने अंतर्दर्शन और आत्मज्ञान से बहुत सारे नए अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होंगे। और डिस्पेयर का कार्ड है, कुछ लोग अभी पैसे से जुड़ी बहुत समस्याएं आप लोग देख रहे हैं। लिब्रंस तुला राशि के लोगों के लिए लग रहा है कि आप पैसे से जुड़ी या रोजगार से जुड़ी समस्याओं से काफी घिरे हुए हैं,
और वहीं आप में से कुछ लोग जो हैं, जैसा मैच्योर वुमन का कार्ड है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन या आप मैरिड हों, और ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, और कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन मैरिड हों ऐसा भी लग रहा है। और गिफ्ट में भी आपके पर्सन जो है वो आपको गिफ्ट देने का सोच रहे हैं ऐसा भी लग रहा है। पर अभी काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि जैसा एक्शन कार्ड आया है इन रिवर्स, आपके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए, और इसी वजह से आप काफ़ी परेशान चल रहे थे, पर आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आप भी कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फॉर ऑफ कप्स, आपको अब फेक प्रपोजल्स नहीं चाहिए और सॉलिड कमिटमेंट की तरफ आप देखना चाहते हैं, नहीं तो आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, जैसा हर्मिट कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्स एनर्जी है, तो आप अभी इस वक्त अपने कैरियर पे काफ़ी फोकस करते हुए दिख रहे हैं और लाइफ को लेकर अपने गोल्स सेट कर रहे हैं, इसके लिए खुद अपनी कह सकते हैं प्लान्स बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपको लाइफ में कैसे आगे चलना है, और आपका फोकस सिर्फ इसी पे लग रहा है। काफ़ी लिबरेंस के लिए यहाँ लग रहा है कि आप अपने काम पे काफ़ी फोकस हैं। द वर्ल्ड कार्ड है, दुनिया आपके लिए खुली है और आप काफ़ी हद तक अब ओपन अप होने वाले हैं, और वहीं ये भी है कि आप लोगों के लिए एक सर्कल पूरा होगा लाइफ का और आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे लाइफ में, एक नया जीवन चक्र आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, और ये आपको काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा, और जो आपके पर्सन और आपके बीच में समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिख रहे हैं, पीकॉक और पीहन है, और उनको यूनिवर्स एक मौका देने वाला है आपको, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या आपके पर्सन जैसा एक्शन ही नहीं ले रहे और काफ़ी परेशानियों से अभी घिरे हैं, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका चल रहा है, तो वहाँ उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है कि इस मंथ में आप लोगों को यूनिवर्स एक मौका दे दोनों को मिलवाने का, जैसा पिकॉक और पीहन आप देख रहे हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स आपको एक मौका देगा आपके पर्सन से कनेक्ट होने का। और वहीं ये जो है आपके पर्सन और आपके लिए यूनिवर्स कुछ प्लान कर रहा है, और इसी चीज़ को आप ट्रस्ट भी करें, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें और भगवान की मर्जी को माने, और कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे आगे के कार्ड्स भी हैं, हमें बॉटम के एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया था एनर्जी ओरेकल में कैरिंग कनेक्शन, और इसे मैंने रख लिया था क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी थी और एनर्जी ओरेकल डेक की एनर्जी है ये कैरिंग कनेक्शन। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए काफ़ी लविंग फीलिंग्स है, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स भी है और काफ़ी डीप लव है आप लोगों का। मे बी आप लोगों के अभी रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम्स से गुजरा है, पर आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो गर्ल हैं या बॉय हैं, और रोमांटिकली भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, काफ़ी परवाह है उनको और डीप लेवल का लव है, सॉल लेवल पे प्यार करते हैं आपसे। पर यहाँ कुछ चैलेंजेस, जैसे हमने देखा है कि उनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही है, पैसे से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी, और कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें ठीक करनी है। मे बी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले आपको रिजेक्ट किया हो पर अब वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ। और कैनिंग कनेक्शन हमें बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपके बीच में स्ट्रक है, जैसा वो एक्शन नहीं ले रहे हो, काफ़ी परेशान चल रहे हैं, पर यह है कि आप लोगों का डीप लेवल का लव है। और जो यूनिकॉर्न्स हैं वो भी इसी तरह के मैसेज लाए हैं। द प्रीस्ट का कार्ड है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। आप स्पिरिचुअल काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे भगवान से, धर्म से या अध्यात्म से आप काफ़ी जुड़ेंगे इस मंथ में, और आपको काफ़ी इंट्यूशंस भी फील होंगे और उनको आपको फॉलो भी करना है। और वहीं क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स आपके लिए आए हैं। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आप काफ़ी माइंडेड रहेंगे इस मंथ में, स्पेशली आप काफ़ी लविंगली बिहेव करेंगे अपने अपनों के साथ, और आपको लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ की ब्लेसिंग्स आप लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो आप काफ़ी, आपके लिए काफ़ी अवसर ऐसे आएंगे कि आप अपने अपनों से जुड़ सकें और जो दिक्कतें आपकी और आपके पर्सन के बीच में हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि यूनिकॉर्न्स गॉड के मैसेंजर्स माने जाते हैं और ये उनकी तरफ से पावरफुल मैसेज था। वहीं फेरीज की तरफ से आपके लिए सिक्स ऑफ स्प्रिंग कार्ड है, और वहीं फेरीज की तरफ से आपके लिए फोर ऑफ विंटर भी है, फोर ऑफ विंटर कार्ड आया है, और जो मैसेज है, सेट असाइड योर कंसर्न फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशन दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन। ये अभी आपको खुद पे ही ध्यान देना चाहिए और वो आप कर भी रहे हैं। मे बी आप लोगों ने अभी काफ़ी कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए हैं, तो फेरीज आपको कह रहे हैं कि अभी आपको डिसीजंस बनाने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस रखें, आपके लिए चीज़ें अपने आप सही होगी, और इस रिश्ते को आप टाइम दें, उस टाइम में ये रिश्ता बहुत अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे। और आप जैसा आप लोगों के लिए कार्ड है सिक्स ऑफ स्प्रिंग, और जो मैसेज है,
वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन। जी आपको पब्लिकली काफी सराहा जाएगा, लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे इस मंथ में, और ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई बड़ी अचीवमेंट आप लोग इस मंथ में कर सकते हैं लिब्रंस, और आपके लिए काफी खुश कर देने वाला इवेंट आपके लिए आने वाला है, और कैरियर से जुड़ी या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है इस मंथ में, और ये आपको बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, और ये खुशी आपको आत्मिक रूप से काफी सुखी करने वाली है। सोल लेवल पे आप काफी डीप लेवल पे जहां भगवान से जुड़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, वहीं आपके लिए ये कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज हो सकती है, और ये भी हो सकता है कैरियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिले, कोई रिवॉर्ड आपके लिए हो, एक अच्छी जॉब भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए होगा कि कोई बड़ा अचीवमेंट आपके लिए इस मंथ में वेट कर रहा है लिब्रंस के लिए। और वहीं हम देख रहे हैं जैसा आप लोग लिब्रंस काफी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं इस मंथ में, थ्री ऑफ कप्स जहां आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफी गेट टुगेदर कर सकते हैं, और उनके साथ आप लाइफ को काफी सेलिब्रेट करेंगे, और काफी ऐसे मोमेंट आ सकते हैं जब आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफी लाइफ को सेलिब्रेट करें अपने अपनों के साथ, और किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बने, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप काफी अच्छा इंजॉइंग टाइम बिताने वाले हैं लिब्रंस, और काफी लाइट हार्टेड मोमेंट्स आपके लिए आ सकते हैं आपके पर्सन के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, और काफी सोशलाइज होंगे आप, और अपनी लाइफ को काफी सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करने वाले हैं आप लोग, और सारा मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। वहीं हम जो सिंगल्स हैं उनके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पर्सन आपको इस मंथ में अप्रोच करेंगे उनके जॉडिक साइन क्या होंगे और उनके अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये पर्सन जो हो सकते हैं वो जेमिनी हो सकते हैं, मिथुन राशि के हों जिनसे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, और उनके अल्फाबेट्स अगर हम देखें तो आर नाम से ही उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, एम नाम से उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है, और जे नाम से स्टार्ट हो सकता है उनका नाम, पी नाम से स्टार्ट हो सकता है, एक नाम और ले रहे हैं हम, डी नाम से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और वहीं हम देख रहे हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे या क्या मैसेज होगा उनका। आई एम नॉट दैट परफेक्ट बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। जी उनका काफी डीप फीलिंग्स है आपके लिए। आई फील वेरी वीक एंड एक्सपोज्ड। जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उनके बीच में, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनको बहुत कमजोर फील हो रहा है, और उनको लग रहा है कि उनकी कोई सच्चाई आपके सामने आई है, वो एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं, और इट टुक मी मच टाइम टू रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। जी आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत समय लगा ये समझने में कि वो गलत थे, मे बी अपनी गलती मान रहे हैं, और आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जी आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है, और एक दो मैसेज और लेंगे हम। आई विल फ्री माई सेल्फ सून टू बी विथ यू। जी वो बहुत जल्द आपके लिए अपने आप को फ्री करेंगे, काफी चीजों में उलझे हुए हैं और आपके लिए समय निकालना चाहते हैं। प्लीज फॉरगिव मी। जी आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस के लिए कह रहे हैं, और एक मैसेज और लेंगे। कैन यू गिव मी अनदर चांस। जी आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक मौका और देंगे। तो यही सब मैसेजेस थे आपके लिए और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।